आरसीबी अपना आज यहाँ पे लास्ट मुकाबला खेलने वाली है दिल्ली कैपिटल से, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को आज यहाँ पे जीत दर्ज करना ही होगा। किसी भी हालत में हो उनको जीत दर्ज करना पड़ेगा, और गाइस अगर वो जीत दर्ज कर लेती है तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम यहाँ पे आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। तो गाइस आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आज का मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन को भर डालो और अपना अपना ओपिनियन आज आप लोग दे डालो। तो गाइस अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। तो मैच से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। तो गाइस उन अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। माइक हसन का स्टेटमेंट आया है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को एक बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है विंजो। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, एंड इस एप्लीकेशन के थ्रू गाइस आप लोग यहाँ पे गेम खेल के पैसे कमा सकते हो। एंड गेम खेल के पैसे कमाने के बाद गाइस अगर आप लोग फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो गाइस आप लोग यहाँ पे फैंटेसी क्रिकेट भी खेल सकते हो। सिंपली गाइस आज मैच है तो सिंपली इसमें क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे कॉन्टेस्ट हो जाएंगे। तो सिंपली कोई भी एक कॉन्टेस्ट में आपको क्लिक करना है, एंड आपको सिंपली आपके अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे प्लेइंग 11 बनाना है, अपना बैट्समैन चॉइस करना है, एंड गाइस उसके बाद बॉलर चॉइस करना है, एंड उसके बाद विकेट कीपिंग आपको यहाँ पे चॉइस करना है। एंड जैसे अपने अकॉर्डिंग गाइस आप लोग यहाँ पे प्लेइंग 11 बना लेंगे, एंड गाइस अगर आप लोग विन हो जाते हो तो सिंपली आपने जीते हुए अमाउंट को गाइस आप लोग बैंक पेटीएम यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, तो जल्दी जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो गाइस सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है माइक हसन की तरफ से, जहां पे गाइस माइक हसन ने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पे गाइस उन्होंने बोला है आरसीबी की टीम यहां पे जो लगातार यहां पे परफॉर्म कर रही थी अब वो जो कि पूरी तरह से पटरी से उतर चुके। तो गाइस उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो अपडेट दिया है उन्होंने बोला है कि टीम टॉप क्लास है, हमारे खिलाड़ी भी टॉप क्लास है, ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा था और अचानक से वो परफॉर्म करना बंद कर दे तो वो खिलाड़ी खराब हो गया, वो टीम खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा टीम एकदम माल का टॉप क्लास टीम है और आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 जीत सकती है ऐसा टीम है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े टीम को जो कि इस बार हराया है। हालांकि जो जो मैच गया क्लोज गया मुंबई इंडियंस के साथ, लेकिन आरसीबी की टीम ने उन टीम को हराया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने। लेकिन गाइस उन्होंने बोला कि आरसीबी को जो हारने का जो कारण है वहाँ पे है गाइस कुछ खिलाड़ियों को जिनकी परफॉर्म वो नहीं कर पा रहे सही से, जहाँ पे उन्होंने एक बड़ा बात किया विराट कोहली को लेके कि विराट कोहली यहाँ पे आईपीएल 2020 में अगर देखा जाए तो उन्होंने पूरा सीजन ही जो कि यहाँ पे स्लो तरीके से खेला है। एक मैच पे उन्होंने बड़ा पारी खेला था चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ, जहाँ पे उन्होंने लास्ट में गाइस उन्होंने बल्ला चलाया था एंड गाइस वो कमाल की पारी थी। एंड गाइस उन्होंने बोला एबी डिविलियर्स को लेके, एबी डिविलियर्स ने गाइस कमाल का परफॉर्मेंस किया इस साल, एंड आते ही वो बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे। लेकिन हर मैच में हर खिलाड़ी परफॉर्म करेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। और गाइस उसके बाद उन्होंने बात की एबी डिविलियर्स के आउट को लेके, गाइस उन्होंने बोला कि पिछले दो मैचों से जिस तरह से एबी डिविलियर्स आउट हो रहे बिल्कुल अनलक्की आउट हो रहे, कोई टॉप क्लास विकेट उन्होंने चटकाया ही नहीं है कोई भी गेंदबाज एबी डिविलियर्स को। अगर हम लोग बात करें पिछले मुकाबले की कितना कमाल का शॉट था, लेकिन गाइस वो कैच आउट हो गए, वो अनलक्की बहुत ही अनलकी कैच था मेरे हिसाब से। गाइस एबी डिविलियर्स छक्का मारना चाहते थे लेकिन वो गैप को ढूंढ नहीं पाए, वहाँ पे खिलाड़ी आगे कैच पकड़ लिए, एंड उससे भी पिछले जाए तो कैरन पुलार्ड ने उनका विकेट ले लिया, लेकिन उसको प्रॉपरली आप लोग विकेट नहीं बोल सकते। लेकिन गाइस वो अनलकी आउट हुए एबी डिविलियर्स, माइक हसन का ऐसा कहना है। हालांकि आउट तो हो गए थे लेकिन गाइस वो अनलकी आउट है, क्योंकि एबी डिविलियर्स जिस तरह से शॉट लगा के आउट हुए ना वो बिल्कुल भी आउट नहीं, मतलब अनलकी आउट है उनका ऐसा कहना है। और आरसीबी की टीम लगातार मैच हार रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन है एबी डिविलियर्स विराट कोहली, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ी के बल्ले से अगर रन नहीं निकलेगा तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम यहाँ पे जीत दर्ज नहीं कर सकती। और गाइस इन दोनों खिलाड़ी को आज के मुकाबले में भी चलना पड़ेगा, माइक हसन का कहना है बड़ा मैच है, अगर इनको परफॉर्म करेंगे तो ये दोनों खिलाड़ी तभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम यहाँ पे जीत सकते हैं और आईपीएल 2020 के प्ले ऑफ में जगह बना सकती है। मैंने ये बात आपको पहले भी कहा था, बड़ा मैच है, इन दोनों खिलाड़ी को चलना पड़ेगा तभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आईपीएल 2020 में प्ले ऑफ में जा पाएगी। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए अपना अपना ओपिनियन दीजिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट जो अपडेट निकल कर आ रही है वो भी निकल कर आ रही है माइक हसन की तरफ से, जहां पे उन्होंने बात किया आज के मुकाबले के बारे में। तो गाइस यहां पे आज के मुकाबले में एक बदलाव के बारे में उन्होंने बात कर, जहां पे गाइस उनका कहना है कि आरसीबी की जो टीम है वो बिल्कुल टॉप क्लास टीम है, एंड उनका जो प्लेइंग 11 सेट किया गया था वो भी बहुत ही अच्छी प्लेइंग 11 है। अगर हम लोग यहां पे जोसू फिलिपी को लाए हैं, एरन फिंच का परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा, जो उनका परफॉर्मेंस यहां पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस तरह से हम लोग
एक्सेप्ट कर रहे थे कि एरन फिंच आएंगे, बड़े बड़े शॉट लगाएंगे, पावर प्ले में अच्छा रन जाएगा आरसीबी का, तो ऐसा हम सभी को एरन फिंच से देखने को नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने जोसु फिलिपी को शामिल किया प्लेइंग 11 में, जहां पे जोसु फिलिपी ने अपना काम बखूबी किया है। उन्होंने पहले मैच में दिखाया कि किस तरह से मैं बल्लेबाजी कर सकता हूं ओपनिंग में, उन्होंने दिखाया। नेक्स्ट मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी किया, लेकिन यहाँ पे प्रेशर में आके गाइस वो यहाँ पे अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन छोटे खिलाड़ी है, अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है किस तरह से खेलना है, किस सिचुएशन में, उनको उतना दिमाग नहीं है, इसी वजह से वो शॉट लगाने के चक्कर में गाइस वो आउट हो गए। तो माइक हसन का ऐसा कहना है। उसके बाद बात करते हैं बड़े बदलाव के बारे में, तो क्या आज के मैच में बड़े बदलाव हो सकते हैं? तो गाइस माइक हसन का जिस तरह से स्टेटमेंट आया, तो गाइस उनका कहना है कि आज के मुकाबले में आप सभी को कोई भी बड़ा बदलाव यहाँ पे नजर नहीं आ सकता। एक बड़ा बदलाव हो सकता है जहाँ पे हिंट दिया गया है कि शिवम दुबे की वापसी हो सकती है, लेकिन अगर शिवम दुबे वापसी करेंगे तो मोहम्मद सिराज को बाहर बैठना पड़ेगा, और मोहम्मद सिराज यहाँ पे अभी गेंदबाजी अच्छे कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जिस तरह से प्लेइंग 11 है आरसीबी का वैसा रहेंगे तो बेटर रहेगा। अगर यहाँ पे जोसु फिलिपी को अगर बाहर बैठा तो एरन फिंच बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मैच में शायद परफॉर्म कर जाए, मेरा ऐसा कहना है। बट मेरे हिसाब से वो नहीं देंगे एरन फिंच को जगह, क्योंकि एरन फिंच को बहुत मौके यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर हम लोग बात करें शिवम दुबे की, तो शिवम दुबे भी शायद मेरे हिसाब से वापसी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको लाएंगे तो मोहम्मद सिराज को आपको बैठाना पड़ेगा या फिर गुरकिरत सिंह मान को बैठाना पड़ेगा, तो शिवम दुबे की वापसी हो सकती है। इतने चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, बट लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही थी आरसीबी के लिए मैच से पहले। अगर आपको ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।